दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पिन फैक्ट में। दोस्तों क्या आप जानते हैं टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया तीसरा टेस्ट मैच बॉल के लिहाज से अब तक का सबसे छोटा मैच था। इस मैच में इतने सारे रिकॉर्ड्स बने जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। क्या बता सकते हैं टेस्ट क्रिकेट में किस बॉलर ने सबसे ज्यादा बल्लेबाजों को टकआउट किया है, और क्या आप उस इंटरनेशनल क्रिकेटर को जानते हैं जो कभी भी अपने देश का नेशनल एंथम नहीं गाता है? अगर आप नहीं जानते ये बातें तो कोई बात नहीं, ऐसे बहुत सारी बातें आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को भैया एंड तक देखना, संग में लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए अगर आपने अभी तक ये शुभ काम नहीं किया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं नंबर वन के साथ। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं इंडिया और इंग्लैंड के बीच हुए तीसरे टेस्ट मैच से। दूसरे टेस्ट मैच सिर्फ दो दिन में ही टीम इंडिया की जीत के साथ खत्म हो गया। इस मैच की चारों इनिंग्स को मिलाकर टोटल 842 बॉल्स फेंकी गई थी, जो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बॉल्स के लिहाज से सबसे छोटा टेस्ट मैच है। वहीं अगर हम बॉल के लिहाज से इतिहास के सबसे छोटे मैच की बात करें तो ये मैच 1932 में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया था। मेलबर्न में खेले गए इस मैच में सिर्फ 656 बॉल्स का खेल हुआ था। ऑस्ट्रेलियन टीम इस मैच को जीतने में कामयाब रही थी। नंबर टू, दोस्तों इसी टेस्ट मैच में लोवेस्ट टोटल रन का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। इस मैच में दोनों टीमों की चारों इनिंग्स को मिलाकर सिर्फ 387 रन बने थे, जो कि एशिया में हुए टेस्ट मैच में अब तक के सबसे कम रन है। इस मैच में इंग्लैंड के दोनों इनिंग्स के स्कोर को मिलाकर टोटल रन 193 थे, जो कि दोनों इनिंग में बैटिंग करने के बाद किसी भी टीम का इंडिया में लोवेस्ट स्कोर है। सेकंड इनिंग में इंग्लैंड की टीम मात्र 81 रन पर ऑल आउट हो गई थी। इंडिया के खिलाफ इंग्लैंड की अब तक के सबसे कम रन है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए टेस्ट मैच में बने रिकॉर्ड इंग्लैंड टीम के लिए किसी डरावने सपने की तरह है, जिसे वो शायद कभी याद करना नहीं चाहेंगे। नंबर थ्री, अहमदाबाद टेस्ट में इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने मात्र 8 रन खर्च करके 5 विकेट हासिल किए थे, और इसी के साथ इनका नाम भी क्रिकेट रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गया। जो रूट के 5 विकेट क्रिकेट हिस्ट्री के मोस्ट इकोनॉमिकल 5 विकेट हॉल बन चुका है, यानी कि उन्होंने 5 विकेट लेने के लिए सबसे कम रन खर्च किए। वहीं इस मैच में 11 विकेट लेने वाले अक्षर पटेल ने भी रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज किया। अक्षर पटेल ने एक मैच में सबसे कम रन खर्च करके 10 या उससे ज्यादा विकेट्स लेने वाले गेंदबाज बन चुके हैं। उन्होंने इस मैच में 70 रन खर्च करते हुए 11 विकेट्स हासिल किए थे। नंबर फोर, इंडिया और इंग्लैंड के बीच चार टेस्ट मैचों की सीरीज में कई सारे रिकॉर्ड्स बने। इन्हीं में से एक रिकॉर्ड ये भी बना कि चार टेस्ट मैचों की सीरीज 21वीं सदी की सबसे कम दिनों तक चलने वाली टेस्ट सीरीज साबित हुई। इस सीरीज के चारों टेस्ट मैच मात्र 14 दिन में ही खत्म हो गए थे। पहला मैच 5वें दिन तक, दूसरा मैच 4थे दिन तक, तीसरा टेस्ट मैच तो भाई 2 दिन में खत्म हो गया, और इस तरह से रिकॉर्ड्स की झड़ी लग गई। वहीं चौथा और आखिरी टेस्ट मैच 3 दिन तक चला था। इस तरह से ये चारों टेस्ट मैच सिर्फ 14 दिन में ही खत्म हो गए। इस सीरीज से पहले चार टेस्ट मैचेस की शॉर्ट सीरीज 16 दिनों तक चली थी। नंबर 5, दोस्तों अक्षर पटेल डेब्यू सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले गेंदबाज बन चुके हैं। उन्होंने हाल ही में संपन्न हुई इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में डेब्यू करते हुए 3 मैचेस में 27 विकेट हासिल किए। इस तरह से वो डेब्यू सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले गेंदबाज बन चुके हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड अजंता मेंडिस के नाम था। उन्होंने 2008 में इंडिया के खिलाफ डेब्यू सीरीज में 26 विकेट्स हासिल किए थे। नंबर 6, रविचंद्रन अश्विन टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा तेजी से 400 विकेट हासिल करने वाले दुनिया के दूसरे फास्टेस्ट बॉलर बन चुके हैं। अश्विन ने अपने 77वें मैच में ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। सबसे ज्यादा तेजी से 400 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन आज भी पहले नंबर पर बने हुए हैं। मुरलीधरन ने 72 मैचेस में ये उपलब्धि हासिल की थी। नंबर 7, रविचंद्रन अश्विन इंडिया की ओर से टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा बार मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीतने वाले क्रिकेटर हैं। अश्विन ने अपनी 29वीं टेस्ट सीरीज में 8 बार मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड हासिल किया है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा बार मैन ऑफ द सीरीज हासिल करने वालों की लिस्ट में अश्विन के आगे मात्र 2 क्रिकेटर हैं। पहले नंबर पर मुरलीधरन हैं, जिन्होंने 11 बार, और दूसरे नंबर पर हैं जैक कैलिस, जिन्होंने 9 बार मैन ऑफ द सीरीज हासिल की है। नंबर 8, टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच चुकी है, और वहीं उसकी भिड़ंत न्यूजीलैंड से होगी। इस टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में सबसे बड़ा कोइंसिडेंस ये है कि ये चैंपियनशिप 18 से 22 जून तक खेली जाएगी, और कमाल की बात यह है कि दोनों टीमों के कैप्टन का जर्सी नंबर भी 18 और 22 है। विराट कोहली 18 नंबर की जर्सी पहनते हैं, वहीं केन विलियमसन 22 नंबर की जर्सी पहनते हैं। नंबर 9, जेम्स एंडरसन वर्तमान समय में दुनिया के बेहतरीन टेस्ट गेंदबाजों में एक माने जाते हैं, और आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं कि किसी भी बल्लेबाज के लिए डकआउट पर आउट होना सबसे शर्मनाक पल होता है, लेकिन बल्लेबाजों का यही शर्मनाक पल गेंदबाजों के लिए गर्व का पल बन जाता है। जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बल्लेबाजों को डकआउट कर चुके हैं। उन्होंने अब तक 104 बल्लेबाजों को 0 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखाया है। नंबर 10, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच हाल ही में खत्म हुई 5 मैचेस की T20 सीरीज के तीसरे मैच में एक ऐसा नजारा देखने को मिला दोस्तों, जिसे आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। इस मैच में मैक्सवेल ने अपने शॉट से कुर्सी तोड़ दी। तीसरे T20 मैच में मैक्सवेल अपने पूरे रंग में थे। उन्होंने मात्र 31 बॉल पर 70 रन ठोक डाले।
इस मैच के 17वें ओवर में मैक्सवेल ने न्यूजीलैंड के गेंदबाज जेम्स नीशम के ओवर में सभी 6 गेंदों को बाउंड्री का रास्ता दिखाया। उन्होंने इस ओवर में 4 चौके और 2 छक्के लगाए। इसी ओवर की दूसरी गेंद पर उनके द्वारा लगाया गया छक्का इतना जोरदार था कि बॉल स्टैंड में लगी खाली कुर्सी से टकराई और कुर्सी टूट गई। बाद में मैक्सवेल ने इस कुर्सी पर साइन किया और अब ये कुर्सी नीलाम की जाएगी, जिसके पैसे एक एनजीओ को दे दिए जाएंगे। नंबर 11। दोस्तों, देवदत्त पल्लिकल पहले ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी के लगातार दूसरे सीजन में 600 से ज्यादा रन बनाए हैं। इन्होंने 2019-2020 सीजन में 609 रन बनाए थे और 2020-2021 सीजन में ये अब तक 6 मैचेस में 673 रन बना चुके हैं, जिसमें 4 शतक शामिल हैं। देवदत्त पल्लिकल लिस्ट ए क्रिकेट में लगातार 4 शतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर हैं। देवदत्त के इस फॉर्म को देखकर आरसीबी टीम और उनके फैंस काफी खुश हो रहे होंगे। नंबर 12। दोस्तों, श्रीलंकाई गेंदबाज अकेला धनंजय शायद ही अपने उस मैच को याद रखना चाहेंगे जिसमें उन्होंने हैट्रिक ली थी। वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच पहले टी20 मैच में वेस्टइंडीज की टीम 132 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी, लेकिन टीम के चौथे ओवर में अकेला धनंजय ने हैट्रिक लेकर वेस्टइंडीज को बैकफुट पर धकेल दिया। अकेला ने अपने दूसरे ओवर की लगातार 3 गेंदों पर एवन लुइस, क्रिस गेल और निकोलस पूरन को पवेलियन का रास्ता दिखाया। इस हैट्रिक के बाद तो भाई अकेला मानो 7वें आसमान पर उड़ रहे थे, लेकिन टीम के 6ठे और अकेला के 3रे ओवर में पोलार्ड ने उनकी गेंद को यूं हवा में उड़ाया कि हैट्रिक लेने की सारी खुशी हवा के हवा में ही रह गई। पोलार्ड ने अकेले ही लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़ दिए। इस तरह से टी20 में वो युवराज सिंह के बाद एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए। वहीं सभी फॉर्मेट को मिलाकर पोलार्ड एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 3रे क्रिकेटर बन गए। नंबर 13। दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग का 6ठा सीजन कोरोना वायरस की वजह से पोस्टपोन्ड हो चुका है। 20 फरवरी से शुरू हुए इस टी20 लीग में अब तक 14 मैचेस खेले जा चुके थे, लेकिन फिर 7 खिलाड़ी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए, जिसके बाद 4 मार्च को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस लीग को पोस्टपोन्ड करने का फैसला किया है। लीग के बाकी बचे 20 मैचेस कब खेले जाएंगे इस बारे में कुछ कहना मुश्किल है। खिलाड़ियों के कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद अब पीएसएल के बायो सिक्योर बबल पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। नंबर 14। दोस्तों, किसी भी क्रिकेटर के लिए मैच शुरू होने से पहले मैदान में खड़े होकर अपने देश का नेशनल एंथम गाना काफी गर्व का पल होता है, लेकिन इंग्लैंड के स्टार क्रिकेटर इयान मॉर्गन के साथ ऐसा नहीं है। संभवतः इयान मॉर्गन दुनिया के इकलौते ऐसे क्रिकेटर हैं जो अपने देश का नेशनल एंथम नहीं गाते हैं। इस बात का खुलासा खुद मॉर्गन ने किया है। इंग्लैंड की ओर से खेलने वाले पहले मॉर्गन आयरलैंड के लिए भी 23 वनडे मैचेस खेल चुके हैं, लेकिन वो आयरलैंड की ओर से खेलते हुए भी नेशनल एंथम नहीं गाते थे। मॉर्गन इस बात को खुलकर एक्सेप्ट करते हैं कि वो नेशनल एंथम नहीं गाते हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है इस पर वो खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और रोमांचक वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, मेरी चैनल।